So, hello and uh, very good evening to all. Welcome to the class. This is our daily news analysis, and we are covering the news from the perspective of prelims as well as mains. So, uh, please let me know that I'm audible and everything is fine. I'll give a thumbs up if everything is fine here. So, uh, start here. Let us see what are the important updates.

स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और ये फोर अवर केमिकल्स न्यूज़ में है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक मान लीजिए इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से मान लीजिए दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्यों न्यूज़ में है क्या इनको कहा जा रहा है जैसा नाम से पता चल रहा है फोर अवर केमिकल बहुत बहुत लंबे समय तक एनवायरमेंट में ये रहेंगे और काफ़ी सारी ऐसी डेली यूज़ में होने वाली चीज़ें हैं जिसके अंदर ये यूज़ हो रहे हैं ठीक है ना डेली बेसिस पे ये यूज़ हो रहे हैं उस परस्पेक्टिव से काफी सारे रिस्क भी इसके साथ एसोसिएटेड है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे रेन वाटर के अंदर इनके क्या मिल रहे हैं ट्रेसेज हमें मिल रहे हैं है ना रेन वाटर फ्रॉम मेनी प्लेसेज अक्रॉस द ग्लोब कंटेमिनेटेड तो जब रेन वाटर ही कंटेमिनेट हो गया हम तो सबसे बारिश के पानी को सबसे शुद्ध माना जाता था प्योर माना जाता था ठीक है एसिडिक रेन वगैरह कुछ इंस्टांसेस छोड़ दीजिए तो यहाँ पे इसके ट्रेसेस मिल रहे हैं और ये क्या है पीएफए ये क्या होता है पर एंड पॉलीफ्लूरो पूरा नाम भी ध्यान रखना है शॉर्ट फॉर्म जो इसका ये एब्रीवेशन है पी भी आपको ध्यान रखना है और यही जो आपके पर एंड पॉलीफ्लूरोलाइल आपके जो सब्सटेंस हैं इन्हीं को फॉर केमिकल कहते हैं क्यों कह रहे हैं फॉर केमिकल बहुत लंबे समय तक आपका एनवायरमेंट में है एटमोस्फियर में है रेन वाटर के अंदर है ये मैन मेड केमिकल है ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और ये जो पूरा का पूरा लाइन है इसके जो सोर्सेज हैं दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट वाई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि ये इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत पिक करता है और पेन पे भी था आई थिंक एक और आ, जो दो में हमने एक इशू को डिस्कस किया था इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग उस पर क्वेश्चन दो के प्रोलम्स में इन्होंने पूछा है तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं प्रबिल्स स्पेसिफिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए सोर्सेज अगर हम देखें देखिए मैन मेड केमिकल तो है ही कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ हो रहा है वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग जो होती है हमारी है ना वाटर रिपेलेंट कोई भी सरफेस हो गई या फिर ऑयल रिपेलेंट होते हैं वहां पे भी ये यूज़ हो रहे हैं स्टेन रजिस्टेंट फेब्रिक्स हैं कॉस्मेटिक है फायर फाइटिंग फॉर्म है और काफ़ी सारे ऐसे अदर प्रोडक्ट्स हैं जो ग्रीस ऑयल वाटर उसको रजिस्ट कर रहे हैं उन सब जगह पे ये पी आपके यूज़ हो रहे हैं इन सब केसेज यू विल फाइंड इट इंड शैम्पू स्टेन रजिस्टेंट प्रोटेक्ट है ना नॉन स्टिक कुक वेयर तो हमने कर लिया फोटोग्राफी पेंट है फास्ट फूड पैकेजिंग है से कुछ सोर्सेज हैं कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं ये ध्यान रखना है अब वो सारा रटने की जरूरत नहीं है एक ओवरऑल ब्रॉड परस्पेक्टिव में ध्यान रख लो कि हाँ लगभग इन, इन इन एरिया में आ रहे हैं मोस्ट पी एफ एज डू नॉट ब्रेक डाउन ये ब्रेक नहीं करते हैं दे रिमेन दैट्स वाई दे रिमेन इन द एन्वायरमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और ये क्या कर जाते हैं ये जो कंटेमिनेट कर रहे हैं सन ये रेन वाटर को ही कंटेमिनेट कर रहे हैं बारिश के पानी को ही कर रहे हैं यू विल सी कि सॉइल को कंटेमिनेट कर रहे हैं एयर है इन सब का जो प्रोडक्शन यूज है इन सबको कंटेमिनेट कर रहे हैं हेल्थ हजार यहाँ पे रिलेटेड है डेफिनेटली बहुत ही कंसर्न करने वाले हैं अगर आप देखोगे पी पे आपका एक्सपोजर है अब रेन वाटर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोजर होगा पी के लिए इंक्लूडिंग डिक्रीज फर्टिलिटी डेवलपमेंटल इफेक्ट इन द चिल्ड्रन इंटरफेरेंस विद द बॉडी हार्मोन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज रिस्क ऑफ सम कैंसर्स तो इतने ज़्यादा सीरियस इसके इम्पैक्ट हैं क्लियर कुछ रिसर्चर ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर आपका जो है एंटीबॉडी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है या इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी वीक कर सकता है ना तो हमारा जो एंटीबॉडी है उसके फॉर्मेशन में भी डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू बिल्ड द एंटीबॉडीज क्योंकि वैक्सीन जब हम लगाते हैं जैसे कोरोना का वैक्सीन वगैरह आपने लगाया होगा तो रीजन क्या था कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाए किसके अगेंस्ट में कोरोना वायरस के अगेंस्ट में सार सी ओ वी टू के अगेंस्ट में उस परस्पेक्टिव से आपका इनको ये जो है एड किया गया है क्लियर तो हमारी बॉडी का जो प्रोडक्शन है एंटीबॉडी का उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अगर हम देखें क्या इनको रिमूव कर सकते हैं तो ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है लेकिन कुछ बहुत ही एक तरह से आप समझ सकते हो कॉस्टली uh, वेज हैं है ना अगेन उन पर काम चल ही रहा है वो कुछ तरीके हैं जहां से आप क्या कर सकते हो इन केमिकल्स को जो फॉर एवर केमिकल्स हैं इनको या फिर जो पी एफ ए केमिकल्स हैं इनको आप हटा सकते हो यूज ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आपका चारकोल यूज होता है एक्टिवेटेड कार्बन आपका यूज होता है और इसको रिप्लेस करने की जरूरत है ना एक बार ये जो भी इन केमिकल्स है इनको एब्जॉर्व करेगा फिर आपको हटाना पड़ेगा तो तो ये तरीका हो गया एक रिसर्चर्स जो हैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया वो कह रहे हैं कि जो पी कंपाउंड है इसको एक सॉल्वेंट के अंदर हम क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं यह है डाई मिथाइल सल्फ सल्फ डेमसो डी इसके अंदर हमने इसको मिक्स किया देन मिक्सड इथ विद सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के अंदर इसको मिक्स किया दे फाउंड दैट यहाँ पे ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है पीएफए जो है ऑटोमेटिकली तो ये डिग्रेड हो नहीं रहे आप देख रहे हो ये ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है लेकिन इस तरह से आपने इसको केमिकल ट्रीटमेंट दिया है इन दिस फॉलोइंग मैनर तो ये डिग्रेड होना स्टार्ट होगा और फिर चल जाएगा अब एक तो ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर अलग से कॉस्ट और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं अब इसको लार्ज स्केल कमर्शियल लेवल पर कितना आप ला पाते हो वो है दूसरा चैलेंज इसमें यह है कि सारे जो पी एफ ए हैं उस पर वर्क नहीं कर रहा है ना सारे जो पी एफ एसपे वर्क नहीं कर रहा है लिमिटेड इसका आ, रोल रहेगा तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है तो ये फॉर एवर केमिकल है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से तैयार करें नेक्स्ट हम मूव करेंगे इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज है फ्लैश फ्लड न्यूज़ में है फ्लैश फ्लड्स को अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी चर्चा में है क्यों होती हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है क्यों इसकी फ्रिक्वेंसी आने वाले टाइम में इंक्रीज होगी है ना कैसे अर्बन एरिया भी प्रभावित हो रहे हैं फ्लैश फ्लड से ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल आपका इस आर्टिकल को हम डिस्कस करें उससे पहले आज न्यूज़ पेपर में आपका एक और आर्टिकल है यू हैव दिस क्लाउड बस्ट ये जो क्लाउड बस्ट के इंसिडेंट हो रहे हैं इसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है वाट आर क्लाउड बस्ड इंसीडेंट्स एंड आर दे राइजिंग अक्रॉस इंडिया है ना ये दो चीज़ें हैं सो so, ये जो क्लाउड बस्ट वाला टॉपिक है आपको याद होगा हमने जुलाई के अंदर है ना जुलाई के अंदर स्पेशली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई अमरनाथ में एक इंसिडेंट हुआ था इस तरह का क्लाउड बस्ट वाला काफ़ी अनफॉर्चुनेट वहाँ पर रहा था कुछ लोगों के लिए तो ये वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था तो क्लाउड बस्ट को एक बार समझते हैं फिर ये फ्लैश फ्लड वाले पे आएंगे दोनों टॉपिक ये भी आज के पेपर में आपको मिलेगा क्लाउड बस्ट होते क्या है क्लाउड बस्ट रेफर मतलब ऐसा आप इसको हिंदी में सामान्य भाषा में कहते हैं बादल फट गया बादल फट गया का क्या मतलब है बादल फटने का मतलब है बहुत कम समय में लिमिटेड पीरियड के अंदर लेटर से वन और टू आर के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बहुत ज्यादा बारिश हो रही है सो क्लाउड बस्ट रेफर टू एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट हैपन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम थंडर स्टॉम भी वहां पर है ना बिजली कड़क रही है वो सब चीजें हो सकती है नहीं भी हो सकती लेकिन मेन जो यहाँ पे पॉइंट है वो है कम समय में ज्यादा रेनफॉल आई एम डी की डेफिनेशन के असर ये याद रखनी है दिस इज इंपॉर्टेंट यू शुड डेफिनेटली लर्न इट है ना इसको रटना आपको जरूर मतलब रट लीजिए इसको कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा पेनफुल है बट स्टिल यू शुड रिमेंबर दिज फैक्ट्स आई एम डी डिफाइन कर रहा है एज इट इज एन अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन एक्सीडिंग हंड्रेड एम एम मतलब दस सेंटीमीटर एक घंटे में इससे ज्यादा हो रहा है ओवर ए जोग्राफिकल रीजन अप्रॉक्सिमेटली ट्वेंटी टू थर्टी स्क्वायर किलोमीटर तो ये ज्योग्राफिकल रीजन बड़ा बहुत हो गया है ना ट्वेंटी टू थर्टी स्क्वायर किलोमीटर तो ठीक है अगर हर घंटे में आपका एक्सट्रीम रेनफॉल है ना दस सेंटीमीटर से ज्यादा एक घंटे में रेनफॉल हो रहा है तो वो बहुत जगह पे हो रहा है लेकिन वो कितना एरिया उसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन क्या है दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन अगर आप देखोगे तो वो भी यहां पे ऐड हो रहा है और ये आईएमडी की डेफिनेशन याद करने के लिए मैंने इसलिए कहा है कि अगर यहां पे क्वेश्चन होता है मेंस के पेपर के अंदर सो यू शुड बी पुटिंग दिस स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बस दैट अकॉर्डिंग टू दिस आईएमडी इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिस इज एक्स वाई जेड दिस इज द क्राइटेरिया कि हम क्लाउड बस कंसिडर करेंगे क्लियर तो वहां पर आपको मार्क्स फैच होंगे इसलिए आपको याद रखना है और इस तरह के क्वेश्चन कॉमन है अब क्या यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं आर दे राइजिंग अक्रॉस इंडिया तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आईएमडी की डेफिनेशन को अगर आप कंसिडर करोगे तब तो आप यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेंड हमें नहीं मिल रहा कि हाँ राइज कर रहे हैं क्लाउड बस्ट है ना लेकिन हाँ एक्सट्रीम रेनफॉल डेफिनेटली राइज कर रहा है क्योंकि एक्सट्रीम रेनफॉल एक तरह का एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जैसे आप देखोगे साइक्लोन है फ्लड्स राइज कर रही हैं फ्लैश फ्लड राइज कर रही हैं ड्रॉट हो रहा है तो उसी तरह से एक्सट्रीम रेनफॉल तो है लेकिन ऐस सच ऐसा कोई हमारे को वो नहीं मिल रहा है स्पेसिफिक ये नहीं है कि आ, ये आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड सजेस्ट कर रहा हो कि क्लाउड बस्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन हाँ एक्सट्रीम रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है अब यहाँ से आपको समझ आ गया कि सारे जो केसेस हैं एक्सट्रीम रेनफॉल के जरूरी नहीं है वो क्लाउड बस्ट होंगे है ना अगर इसको वेन डाइग्राम के रूप में बनाए दिस इज द थिंग तो ये जो पूरा है यहाँ पे क्या है एक्सट्रीम रेनफॉल अगर हम बना दें एक्सट्रीम रेनफॉल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है सो यू विल सी ये क्लाउड बस्ट है इट मीन्स नॉट ऑल एक्सट्रीम रेनफॉल्सराइजीशन है आइडिया ज्यादातर हिल एरियाज के अंदर क्यों देखे जाते हैं और सिटीज जो कोस्टल सिटी हैं वहां पे क्या रिस्क है स्पेशली चेन्नई मुंबई वहां पे है ना इससे क्लाउड बस नहीं कहोगे लेकिन एक्सट्रीम रेनफॉल रिलेटेड जो फ्लडिंग है उससे रिलेटेड रिस्क देखेंगे तो मेनली हम देखते हैं क्लाउड बस बादल फटने की जो घटनाएं हैं हिल एरिया में ज्यादा होती है हम देखते हैं हिमलियन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंट है माउंटेनियस जोन बिकॉज ऑफ द टेरेन एंड द एलिवेशन वहां पे जिस तरह का टेरेन और एलिवेशन मिल रहा है वो एक बहुत बड़ा रीजन है समटाइम्स सेचुरेटेड क्लाउड्स रेडी टू कंडेंस इन टू रेन बट कैन नॉट प्रोड्यूस द रेन है ना सेचुरेशन हो गया और कंडेंसेशन वहाँ पे होना है मतलब वो बूंदों के रूप में बारिश के रूप में आना है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है रेन बन नहीं पा रही और ये जो आपकी रेन ड्रॉप्स है है ना हैवी होती जाती हैं क्लियर और इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउनवर्ड्स रेन ड्रॉप्स आर कैरिड अपवर्ड बाय द एयर करंट एयर करंट करंट मतलब ऊपर नीचे इस तरह से वर्टिकल मूवमेंट है विंड जो होता है हॉरीजोंटल मूवमेंट होता है एयर का एक होती है विंड एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं करंट तो दोनों में क्या डिफरेंस है विंड आपके हॉरिजोनटल मूवमेंट है इन एनी डायरेक्शन एयर करंट्स आर द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ़ द एयर ठीक है ऊपर नीचे जैसा जा रहा है तो यहाँ पे ये जो एयर करंट है इनको ऊपर लेके जा रही है और जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये ऊपर जाके और बड़ी हो रही हैं फाइनली जब ये इतनी हैवी हो जाती हैं कि इनको ऊपर मतलब क्लाउड जो है और होल्ड नहीं कर सकता है फाइनली वो यहाँ पे स्टार्ट करती हैं रेनिंग स्टार्ट करती हैं और बहुत ही क्विक फ्लैश के अंदर बहुत कम समय में बहुत सारा रेनफॉल क्रिएट करती हैं तो ये एक रीज़न यहाँ बना हुआ है एंड वेअर अ क्लाउड बस्ट एडेड द डिवास्टिंग टू थाउजेंड थर्टीन फ्लड यहाँ पे हमने देखा था कि केदारनाथ वाले रीजन में भी इसका इम्पैक्ट uh, था इट फाउंड दैट डूरिंग अलाउड बस्ट रिलेटिवली और ठीक uh, है ना बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो जो ग्लेशियल लेक्स हैं वो ओवरफ्लो होंगी वो अगर ब्रेक कर जाती हैं तो ग्लेशियल uh, जो uh, ये लेक के टूटने की वजह से है ना जो फ्लड्स uh, क्रिएट हो रही हैं वो भी एक इशू रहेगा एनडीएमए गाइडलाइन में यही है कि आप इसकी जो कर रहे हो देखिए है ना यहाँ पे क्लाउड बस्ट इवेंट को फॉरकास्ट करना तो इतना ईजी नहीं है पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड बस तो क्लाउड बस की एस सच कोई फॉरकास्टिंग नहीं होती है है ना कि अब जो है बादल फटेगा ये वो तो एक तो ये है लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो और रिस्क डोनेशन मैपिंग यहाँ पे आप ये तो पता लगा सकते हो कि ये जोन जो है ये हाई रिस्क जोन है अगर ये हाई रिस्क जोन है तो इसके अंदर क्या हम कर सकते हैं क्या प्रिवेंशन मिटिगेशन मेजर्स ले सकते हैं मिटिगेशन के अंदर क्या होगा कि कैसे यहाँ से इससे होने वाले डैमेज को कम किया जा सकता है अगर ऐसी कोई घटना होती है तो इससे होने वाले डैमेज को कैसे हम कम कर सकते हैं मॉनिटरिंग की जा सकती है सिचुएशन की अगर बहुत तेज रेनफॉल हो रहा है वट आर द वेरियस अल्टरनेटिवस अवेलेबल टू द पीपल है ना लाइफ स्टॉक को ज़्यादा ऊंचाई पे लाना लोगों को सेफ़ जगह पे ले जाना ये सब चीज़ इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल आपको मिलेगा फ्लैश फ्लड्स है ना वॉट आर द फ्लैश फ्लड्स वाई दे मे इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर अगले आने वाले कुछ सालों में क्यों ये इंक्रीज भी हो सकती है और कैसे इसका लिंक बैठ रहा है क्लाइमेट चेंज से वाइल्ड फायर जो इंक्रीज़ हो रही है उससे फ्लैश फ्लड में क्या होगा एक्सेसिव कंटिन्यूस रेनफॉल होगा ओवर ए पीरियड ऑफ डेज एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है स्टेग्नेशन है आपको ड्रेनेज नहीं मिल रहा है तो वहीं पर पानी जमा हो रहा है फ्लडिंग लाइक सिचुएशन हो गई है। और आजकल अर्बन एरिया में तो बहुत कॉमन हो गया ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत भी नहीं है कम भी थोड़ा सा भी रेनफॉल हो गया ना कम समय में थोड़ा सा भी अगर रेनफॉल हो गया तो वहाँ पर फ्लडिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो बहुत बुरा कंडीशन है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली ड्रेनेज सिस्टम को देखा जाए पर यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मानसून आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम इंडिया में आप देखोगे 75 परसेंट प्रेसिपिटेशन इज़ हैपनिंग इन दिस थ्री टू फोर मंथ ये चार महीने का जो पीरियड है जून जुलाई अगस्त सितंबर यहीं पे मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हो रहा है सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्रिपेयर कर लो ना तूफान के आने की तैयारी से पहले अपनी तैयारी कर लो तो जो ड्रेन्स हैं जो क्लॉग हो गए हैं ब्लॉक हो रखे हैं उनको क्लीन करना वो सब चीज़ें करना ठीक है जो ऐसे जल भराव वाले क्षेत्र हैं आपको पता तो है हर साल हर साल होता है ऐसा कोई नया तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है ओके एवरी ईयर वी सी फ्रिक्वेंट इंस्टांसिस ऑफ दिस अर्बन फ्लडिंग ये है यहाँ पे फ्लैश फ्लड क्या है मतलब जहाँ पे क्या हो रहा है बहुत कम समय के अंदर पानी इस तरह से है फ्लैश फ्लड कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द फैक्टर्स अब अलग अलग की अलग अलग डेफिनेशन है जैसे यूएस का एक इंस्टीट्यूट है वो कह रहा है छः घंटे के अंदर इस तरह से की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो भी है कुल मिला के ओवरऑल पॉइंट यही है कि कम समय के अंदर आपका ज़्यादा बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो गया है फ्लडिंग सिचुएशन उसने कॉज कर दी है सो दिस इज द फ्लैश फ्लड हीयर फ्लैश फ्लड कैन ऑल्सो बी कॉज बाय द फैक्टर्स लाइक क्या क्लाउड बस्ट से फ्लैश फ्लड होगी क्लाउड बस्ट जो बादल फट रहा है उससे फ्लैश फ्लड होगी बिल्कुल हो सकता है इवन बांध के टूटने से भी हो सकता है ओवरफ्लो होने से भी हो सकता है तो कुछ ऐसे रीजन भी हैं फैक्टर्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम द रेनफॉल जहाँ पे वाटर जो है ऊपर चला जाएगा तो जैसे कोई बांध है कोई डैम बना हुआ है उसके ऊपर चला गया है एकदम से पानी छोड़ना पड़ रहा है या कहीं पे टूट गया है तो इस तरह के जो रीजन है वहां पे भी फ्लैश फ्लड हो सकती है मतलब फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है बहुत कम समय के अंदर फाइन इसी तरह से आपने देखा होगा एक वर्ड सुना होगा ड्रॉट फ्लैश ड्रॉट फ्लैश ड्रॉट ये वर्ड भी आपने सुना होगा जनरली क्या होता है ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने के अंदर दो दो महीने तक मान लीजिए दो कहीं पे तीन महीना कहीं पे डेढ़ महीना मतलब मोर देन वन मंथ यहाँ पे आपको लग रहा है अपटू टू मंथ आपको लग रहा है ये है नॉर्मल ड्रॉट का सीनैरियो फ्लैश ड्रॉट में क्या है कुछ हफ्तों के अंदर ही सूखे की स्थिति बन रही है एंड दिस इज अ काइंड ऑफ रियलिटी हियर आज हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग ये जो है फ्लैश फ्लड एक तरह फ्लैश ड्रॉट भी रियलिटी बन गई है फ्लैश फ्लड तो हम पढ़ ही रहे हैं ये फ्लैश ड्रॉट भी ध्यान रखिएगा हो सकता है इस पर नहीं इस पे पूछ दे है ना दोनों ही न्यूज़ में रह रहे हैं कवर भी हमने किया हुआ है वी हैव दिस फ्लैश फ्लड फ्लैश फ्लड्स हैव बिन कॉमनली बिटनेस इन दिटीज़ लाइक चेन्नई वगैरह और जो कोस्टल एरियाज हैं अगर आप देखोगे कुछ कोस्टल जो सिटीज़ हैं वहाँ पर साइकलॉनिक जो रेनफॉल हो रहा है ठीक है ना साइकिल स्पेशली ऑन दिस ईस्टर्न कोस्ट उसकी वजह से भी आपकी फ्लैश फ्लड सिचुएशन कॉज हो रही है एन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक और रीज़न पुट करती है कि ये जो मानसून रेनफॉल है यहीं पे सारा रेनफॉल कंसंट्रेट हो गया है इसलिए भी फ्लैश फ्लड की कंडीशन बन रही है बट वी कैन डेफिनेटली अवॉइड स्पेशली इन द अर्बन एरियाज ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करके है ना गवर्नेंस को बेहतर करके लोकल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करके सिचुएशन को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं सोल्यूशन यहाँ पे क्या है आगे आने वाले टाइम में तो बढ़ेगा क्योंकि वाइल्ड फायर हो रही है तो पेड़ अगर आपके काटे जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन हो रहा है पेड़ हट रहे हैं ठीक है तो उसकी वजह से ये फ्लड लाइक सिचुएशन क्योंकि वो क्या कर रहे हैं बैरियर का, का काम कर रहे हैं जो भी पेड़ वगैरह हैं उनकी जो जड़ें हैं पूरा है तो सॉइल का इरोजन रोक रहे हैं उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं लेकिन आपने सब कुछ खत्म कर दिया है ठीक है तो आने वाले टाइम में ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और एक्सट्रीम वेदर इवेंट तो बढ़ ही रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग सोल्यूशन कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी ऑफ मॉनिटरिंग ऑन द ग्राउंड इन द हिल एरियाज ठीक है हिल एरिया के अंदर मॉनिटरिंग को बेहतर किया जाए प्लानिंग डेवलपमेंट वर्क्स इन अ वे दैट सेंसिटिव टू द रीजन इकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है और आज के टाइम पे जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखते हुए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है मतलब अगर आप प्लान कर रहे हो तो हैपजार्ड प्लान नहीं कर सकते अगर आप किसी प्लेन रीजन मान लो गेंजेटिक प्लेन में कोई सिटी है वहां पर जिस तरह का कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हो रहा है यू कैनॉट गो इन द सेम वे इन द हिली रीजन्स <coughs> मिटिगेशन टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस मिटिगेशन मीजर्स यहाँ पे लिए जाए जिसकी अभी हमने शुरुआत में चर्चा की थी जो क्लाउड बस्ट वाला हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक्स हैं इनको आप ऐड करेंगे नेक्स्ट आते हैं जीएस पेपर टू पे हम आए उससे पहले आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक आ जाएगा आर्ट एंड कल्चर ये आ जाएगा आपका जीएस पेपर वन में है ना मंडल जो है ये चर्चा में बना हुआ है आर्ट uh, फॉर्म जो होती है मंडल देखने को मिलता है काफ़ी सारी पेंटिंग्स देखी होगी आपने बुद्धिज़म रिलेटेड हैं या फिर हिंदुज़म रिलेटेड है वहाँ पे ये आपको ये सर्कुलर ऐसा या फिर आपको स्क्वायर शेप के अंदर इन सम प्लेसेस यू विल सी ट्रायंगल इज देयर तो uh, आपको ये मंडल देखने को मिलता है अभी तो अक्रॉस द ग्लोब हर जगह यूज हो रहा है और इसीलिए चर्चा में यूके में इसको लेके मतलब एक फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा इसको वो किया जा रहा है मंडल में तो इस वजह से चर्चा में ये होता क्या है इसका ओरिजिन क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं मंडल पैटर्न्स आर सेंचुरीज ओल्ड मोटिफ मोटिफ होता है एक पर्टिकुलर टाइप का आपका डिज़ाइन जो फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है है ना तो यू विल सी कि थानका पेंटिंग है बुद्धिज़्म की या फिर हिंदुइज़म है वहाँ पे इस तरह के मोटिफ बहुत कॉमन है अब तो अक्रॉस द ग्लोब हर जगह पे इनका यूज़ हो रहा है यू विल सी कि कोई अगर है ना कुछ कपड़े हैं वहाँ पर डिज़ाइन के फॉर्म को मिल जाते हैं तो ये ऐसा मोटिफ है जिसको यूज किया जाता है टू डिपिक्ट द कॉस्मॉस है ना टू डिपिक्ट द कॉस्मॉस ब्रह्मांड को Uh, इस तरह से डिपिक्ट करने के लिए लिटरली इसका जो संस्कृत में मीनिंग है वो है सेंटर या सर्कल है ना मंडला इज डिफाइंड बाई ए जियोमेट्रिक कॉन्फिग्रेशन इन द सर्कुलर शेप इट मे बी इन अदर शेप एज वेल लाइक स्क्वायर एंड ऑल मंडला पैटर्न इज एसेंशियली इंटरकनेक्टेड होते हैं हिंदुइजम में मंडला फर्स्ट एपियर इन दिग्वेद ऋग्वेद में लगभग आज से uh, साढ़े तीन हजार साल पहले ना उसके अंदर इसको मेंशन किया गया जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसमें आप देखोगे तो वहाँ पे सबसे पहले अपियर हुआ है बुद्धिज्म में भी इसको अडॉप्ट किया गया है अपियरिंग इन द फर्स्ट सेंचुरी बी इन इंडिया ठीक है बुद्धिस्ट मिशनरीज ट्रेवलिंग अलॉन्ग सिल्क रोड इन्होंने इसको हर जगह पे पॉपुलर बनाया आज आप देखोगे चाइना जापान कोरिया इंडोनेशिया हर जगह पे मंडल जो है आर्ट को रिकॉर्ड किया गया है इट इज बिलीव बाय एंटरिंग द मंडल एंड मूविंग ट्वार्स अब इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है है ना रिलीजियस स्परिचुअल सिग्निफिकेंस है कई जगह पर आपने देखा होगा स्पेशली यू हैव दैट तिब्बत में जो बुद्धिज़म प्रैक्टिस होता है है ना वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज़म विच इज़ बेसिकली काइंड ऑफ तांत्रिक फॉर्म ऑफ बुद्धिज़म तो वहाँ पे आप देखेंगे कि uh, इस तरह से आपके अलग अलग मंडल बनाए जाते हैं बहुत एफिशियट उसके है ना uh, रंगोली टाइप जो होता है मतलब बहुत एफर्ट लगा के आपने बहुत कॉम्प्लेक्स ये मंडल आर्ट बनाई है और फिर उसको इस तरह से आप डिस्ट्रॉय कर ठीक है सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ हैव देयर ऑन स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ uh, है वो किस तरह से एफिमरल है ना इन द कॉन्टेक्स ऑफ दिस होल कॉस्मिक प्लानिंग सो वी नीड टू लिव इन दैट कॉन्टेक्स ओनली फाइन ठीक है सो दिस इज रिगार्डिंग दिस मंडल थिंक एंटरिंग आप ये यही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना देखो जैसा लिखा हुआ है मंडल के अंदर जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ मूव कर रहे हो इसका मतलब है वन इज गाइडेड थ्रू द कॉस्मिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्स फ्रॉम वन ऑफ सफरिंग टू दैट ऑफ जॉय या फिर आप अपने आप को किस तरह से अपनी जो जर्नी है सेल्फ इंप्रूवमेंट की इस तरह से आप जा रहे हो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बता रखा है कि जैसे जैसे आप इधर जाते हो दिस ओके uh, okay, जमंडल uh, को यंत्र कहा जाता है और अब हिंदुजम या फिर में, दोनों में आप देखोगे यू हैव समिक प्रैक्टिस है ना वहां पर भी इसको यंत्र के फॉर्म में यूज किया जा रहा है तंत्रा मीन्स अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन से इन दैट सेंस जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज को आप फॉलो करके कुछ पर्टिकुलर आउटकम लेना चाह रहे हो ठीक है नॉट दैट इन ट्रेडिशनल सेंस वो वो वाला टेक्नोलॉजी मत लगा देना उसमें सो दे आर बेसिकली फॉलोइंग सम एक्स वाई जेड है ना इस तरह से ये रूल और फिर वो आपको मिल रहा है और अभी आप देखोगे तो ये जो नियोतांत्रिक या तंत्रिक जो स्परिचुअल मूवमेंट है वहाँ इसको हो रहा है तो कुछ बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखो इतना डीप में भी नहीं जाएगा पूछ लेगा कि हाँ कौन कौन से रिलीजन से कैसा रिलेटेड है क्या है क्या नहीं अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है यू विल सी कि ये जो थाांका पेंटिंग है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं दिस इज द थांका पेंटिंग यू कैन सी हियर ये थांका पेंटिंग आपको दिख रहा है थांका पेंटिंग जो है जहाँ पे इंडिया के वो स्टेट जहाँ पे बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा है कंपेरेटिवली प्रेजेंस ज्यादा है सी लद्दाख है सिक्किम है कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं तो वहाँ पे थाका पेंटिंग काफ़ी पॉपुलर है थांकाज वर यूज ओरिजिनली यूज एज अ मीडियम ऑफ रिवरेंस तो एक तरह से uh, अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए रेस्पेक्ट प्रकट करने के लिए ठीक है ना टू शो द रिस्पेक्ट एंड द द डिवोटीज और द स्परिचुअल प्रैक्टिशनर्स आर यूजिंग दिस थानका प्रेंटिंग इवन अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं इनको तीन तरह से डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट फॉर्म है जहाँ पर बुद्धा की उनकी जो uh, है ना फ्रॉम इज बर्थ टू एनलाइटनमेंट की लाइफ को बता रखा है सेकेंड फॉर्म थोड़ी एब्सट्रैक्ट है जहाँ पे जो बुद्धिस्ट बिलीफ हैं है ना वील ऑफ लाइफ ये सब चर्चाएँ थर्ड का एंड है, है जहाँ पे डिफरेंट ऑफरिंग है टू द डिटीज ऑफ़ द मेडिटेशन थोड़ा सा ये ध्यान रखो थांका पेंटिंग कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रही है किस रिलीजन से रिलेटेड थीम है और ये आपकी आ जाएगी जो भी यू हैव दैट फाइन रीजनल लेवल पे जो आपकी फोक पेंटिंग्स प्रैक्टिस की जाती है वहां पे आ जाएगी नेक्स्ट हम आते हैं जीएस पेपर टू और ये न्यूज वापस से आपकी चर्चा में है ये पेपर टू से आप जोड़ सकते हो पेपर वन से लिंक कर देना सोसाइटी वाले में मतलब वुमन रिलेटेड जो भी इश्यूज है वहां पे आप लिंक कर लोगे आसान क्या न्यूज़ है नंबर ऑफ वुमन साइंटिस्ट गोज अप वुमन जो साइंटिस्ट है इनका नंबर ऊपर जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्लियर कुछ इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ मैंशन किया जैसे आप देखोगे आर प्रोजेक्ट के अंदर दो हज़ार के आसपास हमारा तेरह प्रतिशत प्र, ये था पार्टिसिपेशन था वूमन का अब ये आपका बढ़ गया है ट्वेंटी एट परसेंट था ठीक है और इसी का ये जो इन्होंने आगे मेंशन किया है ये कुछ इसी न्यूज़ को आगे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम हैं उसकी वजह से तो प्रोग्राम तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इस न्यूज़ के अंदर जो आज का न्यूज़ पेपर ये यहाँ पे है इस तरह से डिटेल के अंदर ये कुछ मेंशन नहीं है बट ये न्यूज़ आपको याद होगा हमने पहले भी कवर किया और वहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक है उनके जो प्रोग्राम है उसको आपको पता होना चाहिए क्या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि ये आपका इंक्रीज हो रहा है वुमन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सो एज यू कैन सी नंबर ऑफ वुमन साइंटिस्ट गोज आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन कंपेरिजन साइंस में भी अलग अलग स्ट्रीम है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है है ना बायोटेक है इस तरह से मेडिसन हो गया क्लियर फिर आपका जो है सोशल साइंस है ह्यूमैनिटीज़ है तो अलग अलग स्ट्रीम है तो सबसे कम कहां देखने को मिल रहा है अभी भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में है सबसे ज्यादा आपको सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ में देखने को मिल रहा है तो वो भी एक इशू है बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इंक्रीज हो रहा है सो दिस इज काइंड ऑफ गुड साइन इंडीड फाइन और अगर आप यहां पे इसी न्यूज पे आगे अगर जाते हैं रिजल्ट्स ऑफ ऑल इंडिया Uh, ये जो सर्वे है ये बता रहा है कि 53 थ्री टू फिफ्टी फाइव परसेंट पार्टिसिपेशन है वुमन इन साइंस एजुकेशन एट द बैचलर एंड मास्टर लेवल रिस्पेक्टली डॉक्टर लेवल पे 44 परसेंट है तो ये जो हमारा पार्टिसिपेशन आ रहा है हायर एजुकेशन के अंदर इतना ज़्यादा ये डेवलप्ड कंट्री के बराबर आ रहा है सो डेफिनेटली वी नीड टू चैरिश दिस थिंग क्लियर लेकिन इसमें एक और इशू निकल के आएगा हालांकि वो थोड़ा अलग हो जाएगा टॉपिक वो जी पेपर थ्री पे चला जाएगा कि वुमन का हर चीज़ में ये बढ़ रहा है हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन है फिर इनका जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो क्यों डिक्रीज कर रहा है अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये बहुत कम है है ना दिस इज समेयर अराउंड ट्वेंटी परसेंट के आसपास ऊपर नीचे घूम रहा है दिस इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू आर नेबर्स अगर आप बांग्लादेश से कंपेरिजन करोगे उसका थर्टी फाइव परसेंट है और इंडिया का बीस बाईस परसेंट पर घूम रहा है और क्यों कम हो रहा है ओवर द ईयर ये कम भी हो रहा है तो वट आर द रीजन क्या रीज़न है क्या पेट्रियर नॉर्म्स और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं क्या वुमन सिक्योरिटी को लेके इशू बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं क्या वर्क कल्चर यहाँ पे डिट्रीट हो रहा है व्हाट आर द रीजंस कि इनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ पा रहा है तो वो एक अलग है लेकिन यहाँ पे जो चर्चा की गई है जैसे देखोगे वुमन पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में मेडिसिन के अंदर है ठीक है तो क्या स्कीम्स थी उस पर अगर हम आए तो एक न्यूज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की थी जहाँ पे आ, अगर चर्चा की जाए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम की तो ये है किरण स्कीम इस स्कीम का नाम याद रखिए 2014 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया काफी सारी स्कीम थी उनको रीस्ट्रक्चर करके एक अम्ब्रेला स्कीम क्रिएट किया और उसको नाम दिया किरण स्कीम नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग जहां पे जो वुमन एक्सक्लूसिव स्कीम है जो भी यहाँ पे इंश्योर कर रही हैं कि वुमन जो है यहाँ कैरियर बना सकें कई बार क्या होता है गैप लग गया हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई भी चाइल्ड रिलेटेड इशूज़ हैं वट एवर इशूज़ अगर आपका वो गैप क्रिएट हो गया है, तो वहाँ पर ये सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रही हैं तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहा फोकसिंग ऑन एस एन टी सॉल्यूशन इशूज चैलेंजेस द ग्रास रूट लेवल ऑफ सोशल बेनिफिट द मैंडेट ऑफ किरण प्रोग्राम टू ब्रिंग जेंडर पैरिटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको क्या आप एस डी जी से जोड़ सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर फाइव से कर सकते हो रिड्यूसिंग द जेंडर डेफिनेटली वुमेन साइंटिस्ट स्कीम अब ये बहुत स्कीम भी चली हुई है ना एड्रेसेस चैलेंजेस फेस बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड वुमेन प्राइमरली ड्यू टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब आपने जो प्रैक्टिकल इश्यूज क्रिएट कर रही थी मतलब फेस कर रही थी वुमेन उनको आप यहाँ पे डील करने के प्रयास कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस वॉस स्कीम वुमेन साइंटिस्ट स्कीम अब इसमें वॉस ए बी सी है इन तीनों को देख लेते हैं एक बार ठीक है ये देख लेना इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन कौन सी है वॉस ए स्कीम जो है ये क्या कर रही है आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इन द प्लेटफॉर्म लाइक बेसिक और अप्लाइड साइंस की जो रिसर्च है वहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है ट्रेनिंग है रिटेनिंग द वूमन ठीक है और इसके अंदर कौन कौन से हैं डिसिप्लिन आप देखोगे इसमें फिजिकल मैथमेटिकल साइंस है केमिकल साइंस है लाइफ साइंस है अर्थ एटमोस्फेरिक साइंसेज हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पांच डिसिप्लिन ये वॉस ए कवर कर रही है इसी तरह से वॉस बी सी है वॉस बी में क्या है साइंटिफिक इंटरवेंशन फॉर सोशल बेनिफिट और वॉस सी में इंटर्नशिप इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो ये तीन सेगमेंट कर दिया आपने और इन जो इसकी ये जो भी स्कीम है ये क्या इंश्योर कर रही है कि वुमन का पार्टिसिपेशन रिसर्च में कैसे बढ़ा सकते हैं इन स्कीम का आपको ना, नाम नाम ध्यान रखना है और अगर हम रिसर्च uh, के अलावा हायर एजुकेशन की बात करें तो आपको देख के हैरानी होगी अगर आप देखोगे ये हायर एजुकेशन के अंदर जैसे ये बैचलर का दिया हुआ है तो अ, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको कई जगह पे जैसे बीए है यहाँ पे तो वूमेन का ज़्यादा दिख रहा है है ना ये uh, जो एनरोलमेंट है पर हंड्रेड uh, उस पर होगा हंड्रेड मेल पे तो आप देखोगे बीकॉम है यहाँ पे भी हंड्रेड पे आ रहा है बीएससी में भी ज़्यादा आ रहा है बी टेक में थोड़ा सा ये कम है ना फोर्टी परसेंट पे ही है फोर्टी पे ही आ रहा है सो एवरी हंड्रेड मैन पे आपको दिख रहा है ठीक है एवरी हंड्रेड मैन पे आपको दिख रहा है अंडर ग्रेजुएट के अंदर सो ओवर द ईयर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन जो टेक्नोलॉजी वाला फील्ड है वहां पर भी थोड़ा सा हम कर सकते हैं क्लियर ये स्कीम का नाम ध्यान रखिए और इसको लिंक कर देना एस डी जी सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है ये वो गोल हैं जो यूनाइटेड नेशन ने 2015 के अंदर अनाउंस किए थे सभी देशों को अचीव करने हैं 2030 तक तो हमारा जो गोल है एस नंबर फाइव वो क्या बात कर रहा है अचीविंग जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावरिंग ऑल वुमेन एंड गर्ल्स तो इसके अगर आप देखोगे क्या क्या कॉम्पोनेंट है, है ना कॉम्पोनेंट है तो पांच सात चीजें याद रखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर पेपर में पेपर वन टू थ्री फोर एस हर जगह पर आपको हेल्प करेगा तो इसके अंदर अगर आप एस के कंपोनेंट देखोगे गवर्नमेंट क्या टारगेट यहां पे कर रही है, है ना नीति आयोग या सरकार क्या अचीव करना चाहती है ताकि हमारा ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का गोल है या फिर जेंडर इक्वेलिटी का गोल है ये अचीव हो जाए क्योंकि तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फाइन रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन वन लैक फीमेल पॉपुलेशन रेट ऑफ क्राइम जो है वुमन के अगेंस्ट में उसको जीरो चाह रहे हैं क्या ये अभी जीरो है नहीं ये तो बहुत अभी कंसर्न वाला इशू है सबसे ज्यादा इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं वुमन सेफ्टी को लेकर सेक्स रेशो एट बर्थ ये याद नहीं करना है कि फाइव पॉइंट टू है कि फाइव पॉइंट थ्री है यू जस्ट नीड टू बवेयर वट काइंडेटर्स द गवर्नमेंट इज बेसिकली यूजिंग और कंसिडरिंग टू एंश्योर दैट वी कैन गो फॉर द वुमन एम्पावरमेंट या जेंडर इक्वालिटी अचीव हो जाएगी क्योंकि हमारा आंसर मल्टीडाइमेंशनल नहीं बन पाता आप केवल पेट्रियारकल के नॉम्स की बात कर दोगे इकोनॉमिक चीजों की बात कर दोगे व्हाट अबाउट अदर थिंग्स हेल्थ केयर भी है एजुकेशन भी है ठीक है ना और एस्पेक्ट भी हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हैं सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट भी हैं तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो फाइन क्राइम अगेंस्ट वुमन हो गया सेक्स रेशो एट बर्थ जो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा ठीक है अभी ओवर द ईयर्स पिछले कुछ सालों के अंदर हमारा पॉजिटिव यहाँ पे रहा है रेशो ऑफ फीमेल टू मेल एवरेज वेजेस है ना यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेल और जो फीमेल के जो रेशो वेज के अंदर जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए हम इसका रेशो बन चाह रहे हैं तो अभी तो डिफरेंस देखने को मिलते हैं हमें फाइन पर वन लैक वुमन जो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है फिजिकल वायलेंस वगैरह तो वो जीरो चाहते हैं तो अभी भी ये इश्यूज हो रहे हैं फिजिकल वायलेंस के डोमेस्टिक वायलेंस के उसको हम जीरो चाह रहे हैं रेशो ऑफ द फीमेल टू मेल एवरेज वेज और सैलरी ये तो हम कर ही चुके हैं ये भी हम कर चुके हैं इलेक्टेड वुमन परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमन ओवर टोटल सीट पचास प्रतिशत हम चाहते हैं है ना लेजिस्टिव असेंबली पे हम चाह रहे हैं लेकिन क्या है अगर पार्लियामेंट लेवल पे देखोगे तो कितना है वो लगभग चौदह परसेंट ये नेशनल लेवल पे लोकसभा लेवल पे और ये अभी तक की जो भी लोकसभा है उसमें सबसे ज़्यादा है लास्ट वाली जो लोकसभा थी वहाँ लगभग ग्यारह प्रतिशत था क्या कर सकते हो क्या रिजर्वेशन दिया जा सकता है क्या रिजर्वेशन वर्क कर रहा है वुमेन को वन थर्ड रिजर्वेशन अगर दे दें तो वर्क कर रहा है पंचायती राज लेवल पे तो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट पे तो वर्क कर रहा है क्योंकि वहाँ पे अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देखोगे लगभग चम्बालिस पैंतालीस प्रतिशत स्वेंत के आसपास जा रहा है अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट आपका है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वन होना चाहिए तो अभी तो हमारी बहुत आ, मतलब कंसर्न वाली स्थिति है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे फोकस कर रहे हैं प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन मैनेजेरियल पोजीशन यहाँ पे मैनेजेरियल जो पोजीशन है उसमें वन फोर्थ तक ये चाह रहे हैं लगभग ट्वेंटी फाइव परसेंट तक परसेंटेज ऑफ करंटली मैरिड वुमेन वो हैव देयर डिमांड फॉर मॉडर्न मेथड ऑफ़ फैमिली प्लानिंग ठीक है अब इतना भी डिटेलिंग में नहीं जाना है कुछ मेजर यहाँ से पांच-छह पाप उठा सकते हो जिसको हर पेपर में आप यूज कर लोगे इसलिए ये डिटेलिंग यहाँ पे हमने थोड़ी सी की है ताकि आपका आंसर राइटिंग में इजी हो जाएगा जीएस पेपर थ्री पे आते हैं एक अच्छा आर्टिकल हमारे पास है एंड दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू जीएस पेपर थ्री एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से ये आपका रिलेटेड है अमृत काल द एग्रीकल्चर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमें जो पूरा आने वाला जो समय है अमृत काल तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एस्टिमेट इंडिया की जो जनसंख्या है 166 एक सौ छियासठ करोड़ लगभग एक सौ साठ करोड़ हो जाएगी तो बहुत बड़ा नंबर है ये इतने सारे लोगों को कैसे आप फीड करोगे फूड सिक्योरिटी रहेगा एक तो आज़ादी के समय पे लगभग आपका कितना रहा होगा थर्टी थ्री थर्टी फोर करोड़ समथिंग इतना रहा होगा ऑलमोस्ट फोर टाइम अभी एट प्रेजेंट भी देखोगे तो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है तो हमारे सामने चैलेंज फूड सिक्योरिटी का तो है ही इसके अलावा न्यूट्रिशनल चैलेंजेस भी हैं स्पेशली इन द कॉन्टेक्सड जब इंडिया न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और हमारी ग्लोबल रैंकिंग तो बहुत ही बुरी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखोगे या अदर हमारे न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स पे अगर आप ध्यान देते हैं दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न विच रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन ऑफ पॉलिसी मेकर और अर्जेंट इंटरवेंशन की भी वहां पे जरूरत है क्योंकि जो आप प्रयास कर रहे हो रिजल्ट मिल नहीं रहा है न्यूट्रिशन के ऊपर तो माल न्यूट्रिशन हमारा इशू ये है क्लाइमेट रेजिलियंस होगा है ना हाई इनकम फॉर आर फार्मर्स जीरो हंगर जो कि एस डी है और माल न्यूट्रिशन ये भी एस डी से आपका लिंक होगा तो ये जो ऑब्जेक्टिव हैं इनको आप कैसे अचीव करोगे इन दिस अमृत काल ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने रहेंगे और स्पेशली जब हमारी पर कैपिटल इनकम भी कुछ ज़्यादा नहीं है ना अगर आप देखोगे 2000 डॉलर के आसपास से घूम रहा है अराउंड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड डॉलर फाइन दिस इज द पर कैपिटल इनकम पर कैपिटल इनकम मतलब होता है उस देश की नेशनल इनकम उस देश की नेशनल इनकम और उसका जो पॉपुलेशन है मिड ईयर जो पॉपुलेशन है क्लियर सो फर्स्ट चैलेंज वुड बी टू अलाइन आर एग्री पॉलिसी को अलाइन करना जो हमारा डिमांड पैटर्न बन रहा है है ना हमारे को फूड भी चाहिए क्वांटिटी भी चाहिए और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी वहां पे चाहिए तो यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि अगर आप ये स्टेटस देखोगे यू डोंट नीड टू मग अप दिस डेटा इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ये बता रहे हैं कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ है एनुअल ग्रोथ रेट है तो आप देखोगे जो सीरियल हैं जो आपके इस तरह से अनाज जो है वहां पे ग्रोथ रेट सबसे कम है फिर आप देखोगे ऑयल सीड शुगर केन कॉटन यहाँ पे ग्रोथ रेट सबसे कम है सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कहाँ दिखा रहे हैं पोल्ट्री है फिशरीज हैं पलसेज हैं डेयरी है हॉर्टिकल्चर तो यहाँ पे ये यह कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ग्रोथ रेट कम है सीरियल्स और ये यह और यहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा है गवर्नमेंट क्या कर रही है गेहूँ चावल प्रोक्योर कर रही है वो पूरा सिस्टम है बाकी जगह पे मार्केट फोर्सेज वर्क कर रहे हैं चाहे कोई कोई भी दिक्कत वहाँ पे हो बट स्टिल मार्केट इज़ वर्किंग देयर तो यहां पे ये यह कहना चाह रहे हैं कि आपको मार्केट फोर्सेस को थोड़ा सा और यहां पे बढ़ावा देना पड़ेगा पॉलिसी के अंदर क्या चेंज चाह रहे हैं ये चाह रहे हैं प्रमोट एंड गेट द मार्केट दाइट विच हेल्प एंड द रिवोल्यूशनरी ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर अभी भारत सरकार ने एग्रीकल्चर लॉ लाए थे है ना जो किसान आंदोलन की वजह से वापस लेना पड़ा रिपील करना पड़ा तो दिस इज अगेन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे सरकार चाह रही थी है ना मार्केट फोर्सेस को यहाँ पे थोड़ा सा रोल बढ़ाना चाह रहे थे ताकि वो एफिशिएंसी यहाँ पे लाई जा सके और वी नीड टू फोकस ऑन द फूड सिस्टम एज ए कॉम्पोजिट एंटिटी ये कह रहे हैं कि हमें फूड सिस्टम के हर कॉम्पोनेंट पे फोकस करना होगा क्या क्या कह रहे हैं प्रोडक्शन है मार्केटिंग है कंजम्पशन है ये तीन की बात तो हम हमेशा से ही करते आ रहे हैं लेकिन दो नए डायमेंशन अभी उभर के आ रहे हैं जिसपे हमें आने वाले जो पच्चीस साल है उसमें फोकस करने की जरूरत है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इसका इश्यू क्रिएट हो गया था जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आप सभी जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति जिसे कहते हैं ये लेट सिक्सटीज के अंदर है ना यहां पे क्या हुआ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंडिया का बढ़ना स्टार्ट हुआ एंड विद इन वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ पीरियड मतलब कुछ ही सालों के अंदर हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ये कितना बढ़ गया लगभग 200 से 300 प्रतिशत तक बढ़ गया क्यों क्योंकि हम कुछ हाई यील्डिंग वैरायटी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज कर रहे थे जिनको हमने इनपुट दिया इरिगेशन फैसिलिटी दी क्या जो भी केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह वो दिया एंड वी वी विल ओके वर गेटिंग द रिटर्न हमारा प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया लेकिन इससे क्या हुआ कि इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज होना स्टार्ट हुआ एक्सेसिव यूज होना स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गई ग्राउंड वाटर जो लेवल्स हैं वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गया और यहाँ पे एन्वायरमेंट सफर करना स्टार्ट कर गया तो हमारे फूड सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इसलिए सरकार भी यहाँ प्रयास कर रही है और हमें क्या करना है क्लाइमेट रेजिलियट एग्रीकल्चर ऐसा एग्रीकल्चर जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभावों को रजिस्ट कर सके उनको टॉलरेट कर सके है ना उस तरह की फार्मिंग एग्रीकल्चर पर हमें मूव करना पड़ेगा फॉर्म ऑफ नेचुरल फार्मिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ना और एनी काइंड ऑफ अ वे वी नीड टू अरेस्ट द डरमेटिक डिक्लाइन इन आर ग्राउंड वाटर टेबल सॉइल की डिक्लाइन को हमें रोकना होगा ठीक है ना और इस तरह की जो प्रैक्टिस जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं जैसे स्टबल बर्निंग है, है ना जो मीथेन एमिशन जो मीथेन एक तरह की क्या है ग्रीन हाउस गैस है ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है तो इनके एमिशन को भी कम करने की जरूरत है इसलिए क्या कर सकते हो आप फार्मर को इस तरह से इंसेंटिवाइज करो कि अगर वो एमिशन कम कर रहे हैं तो उनको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट भी हो है ना दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वाट कार्बन मार्केट एक्ट्रा कुछ इस तरह का इनोवेशन लाया जा सकता है या फिर यहाँ पे एक इनोवेशन सॉल्यूशन इन्होंने दिया है आउट ऑफ द बॉक्स ये कह रहे हैं सोलर एज अ थर्ड क्रॉप ऑन द फील्ड जैसे फार्मर क्या है साल में दो क्रॉप उगा रहा है खरीफ है रबी क्रॉप है लेकिन थर्ड क्रॉप के रूप में ये कह रहे हैं कि सोलर को थर्ड क्रॉप के रूप में लगा लो आप इसका क्या मतलब है इसका मतलब है आपका जो खेत है है ना वहां पे आप सोलर पैनल्स लगा सकते हो उससे जो सोलर से बिजली पैदा हो रही है है ना उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको दे सकते हो और आप इनकम ले सकते हो और ये क्या होगी ये एक तरह की रिन्यूएबल एनर्जी होगी जिसका जो कार्बन फुटप्रिंट है कार्बन फुटप्रिंट है वो बिल्कुल नहीं के बराबर होगा तो इस तरीके से आप जा सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन है यहाँ पे हो सकता है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जैसे हर घर तिरंगा की बात की है ना वैसे ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा की बात की तो हर घर सोलर भी आप अपना सोशल कैपिटल मोबिलाइजेशन का पावर यूज करके ऐसा कर सकते हो ऑलरेडी पी कुसुम स्कीम चल रही है जहाँ पे आपने जो अपना पंप है है ना वाटर जो पंप है उसको तो आप सोलर पावर से कर ही रहे हो जनरेट लेकिन एक्सेसिव पावर आप जनरेट कर सकते हो तो इस पर क्या है ये आउट ऑफ द बॉक्स एक सॉल्यूशन दिया है ऑथर ने इट लुक्स वेयर कि हाँ एक पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए क्योंकि फार्मर की इनकम हमें बढ़ानी है दिस इज द फिफ्थ कॉम्पोनेट इन दिस फाइव डायमेंशन जहां पे हम फूड सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं ठीक है प्रोडक्शन तो हमें बढ़ाना ही है मार्केटिंग कंजम्पशन से रिलेटेड चीजें तो है ही लेकिन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पर भी काम करना है और उसके लिए इस तरीके से क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर मॉडल के थ्रू आप काम करोगे बट फार्मर इनकम बढ़ाना भी एक सबसे बड़ा टास्क है और 2022 तक हम डबल करने की बात कर रहे थे हालांकि अभी गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा रिलीज होने हैं बट स्टिल वी आर फ्र फार फ्रॉम दिस गोल हियर है ना और फिर इसमें एक और इश्यू ये भी क्रिएट हो रहा है आपको याद होगा हमने आर्टिकल में डिस्कस भी किया था कि फार्मर को जो इनकम जनरेट हो रही है वो एग्रीकल्चर फील्ड से कितनी हो रही है और जो uh, जो दूसरी लेबर हैं वेजेस हैं वहां से कितना हो रहा है तो वेजेस से जो इनकम हो रही है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है तो ये एक अलग ट्रेंड हमें शो कर रहा है क्लियर तो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस आर्टिकल नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि यूपीआई वाली न्यूज चर्चा में थी आपने देखा होगा है ना जिसको लेके काफी हो गया था कि सरकार यूपीआई के ऊपर भी चार्ज क्रिएट ना करते हैं सो <coughs> so, फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि नहीं यूपीआई पे ऐसा कोई चार्ज अभी नहीं होगा जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट अगर आप देखते हो मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये क्या होती है जो भी पॉस मशीन वगैरह है अगर आपने देखा होगा कहीं पे आप आ, कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट कर रहे हो है ना किसी कार्ड के थ्रू किसी दुकान पे पेमेंट होता है वो कहते हैं आपके ये एक्स्ट्रा चार्ज इस तरह से लगेगा क्योंकि जो मर्चेंट है उनको कुछ प्रोसेसिंग फीस जो है बैंक को देनी होती है और इसको नाम हम देते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट इस नाम से कन्फ्यूज मत होना ये कोई डिस्काउंट रेट नहीं है दिस इज अ काइंड ऑफ फीस पेड बाई द मर्चेंट टू द बैंक जो भी जो मर्चेंट है वो अपने रिक्वायर्ड जो बैंक्स हैं उनको पे करेंगे तो आरबीआई का एक पेपर डिस्कशन था लास्ट वीक जिसके अंदर ये कहा गया कि आ, मतलब ये एक क्वेश्चन के रूप में पुट किया गया क्योंकि ज्यादातर जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर हैं बैंक्स वगैरह हैं वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि वी कैन पुट दिस काइंड ऑफ चार्ज ऑन द यूपीआई ट्रांजेक्शन राइट ना ऑफ द यूपीआई ट्रांजेक्शन टोटली फ्री तो क्या ऐसा हम चार्ज यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है है ना आ, तो जो पेमेंट इंडस्ट्री है वो यहाँ पे चाह रही है तो इसको लेके ये हो गया कि यहाँ पे यू ट्रांजैक्शन पे भी चार्ज लग जाएगा तो अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं होगा तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं इनको समझते हैं और इसके अलावा यहाँ पे यूज़ किया गया है यू पी का ये डिस्कशन पेपर और नेफ्ट आर टी जी के बारे में भी डिस्कशन कर रहा है तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए कि अच्छा ये यू पी क्या होता है एन क्या कैसे कर रहा है एंड वट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस आर नेफ्ट ट्रांजेक्शन ये कुछ बेसिक पॉइंट हो गए जो प्रॉल्स के लिए आपको आने चाहिए जिस पे क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे देखिये एनपीसीआई यहाँ पे डील कर रहा है जो यू पी आई ट्रांजेक्शन की रिकार्डिंग है है ना ये जो पूरा ऑफर किया है ये जो बनाया है ये प्रोडक्ट है एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको दो हजार आठ के अंदर बनाया गया किसने बनाया यहाँ पे आरबीआई और आई बी आई इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर बनाया जब इसका इंपॉर्टेंस देखा गया कि इंडिया के अंदर जो पेमेंट सेटलमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये प्रोवाइड करा रहा है इतना इंपॉर्टेंट टास्क इसके पास में है तो इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर यहाँ पे किया इन्होंने और एनपीसीआई क्या कर रहा है जैसा नाम से पता चल रहा है पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये एंटायर जो बैंकिंग सिस्टम है उसको फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करा रहा है किसके लिए पेमेंट सेटलमेंट के लिए जो भी लेन देन होता है पैसे का इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो किसी भी तरह से कर रहे हो यू भी एक तरह का आई है उससे कर रहे हो तो वो यहाँ पे एनपीसीआई क्रिएट कर रहा है क्लियर ये इंश्योर करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम और ज़्यादा यहाँ पे एफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यूपीआई खुद है क्लियर उसी के अंदर और सारे इंटरवेंशन हो रहे हैं उसको और इंप्रूव कर रहे हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई आप सभी यूज़ करते हैं सभी इसको जानते हैं इसमें कुछ अनोखा ऐसा है नहीं यहाँ पे रियल टाइम में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है ठीक है टू हैड पैसा ट्रांसफर हो जाता है काफी सारी एप्स हैं जो यूपीआई अनेबल्ड एप्स हैं क्लाइंट एप जिनको कहा जाता है इवन एनपीसीआई की खुद की ऐप भी है जिसको भीम ऐप कहते हैं ना आप यूज भी करते होंगे तो ये यूपीआई जो क्लाइंट ऐप है मतलब जिन ऐप पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो रहा है फोन पे गूगल पे पेटीएम एटसेट्रा ये सब मेजर ऐप्स हैं जिस पे ये हो रहा है तो ये इंस्टेंट रियल टाइम ट्रांसफर ये होता है ट्रांसफर जो पीयर टू पीयर है या पीयर टू मर्चेंट भी हो सकता है दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी के बीच में भी आपका यहाँ पे हो सकता है एंड यू हैव ऑल दीज नेम्स यर यू डोंट नीड टू मगअप दीज नेम्स ठीक है कैसे होगा यूजर क्रिएट द वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एक आपको वर्चुअल यूपीआई क्रिएट करनी होती है जनरली आपका फोन नंबर ही होता है ना उसके आगे एट द रेट लग के कुछ ऐड हो जाता है तो आपको सामने वाले का पैसा ट्रांसफर करना है तो या तो उसका क्यू कोड आपके पास हो या फिर उसकी आई हो है ना फोन नंबर जो होता है तो उसके थ्रू पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता है सिंप्लिसिटी uh, है सेफ्टी है सिक्योरिटी है इसलिए आप देखोगे 2021 के अंदर यूपीआई ने लगभग 3,900 करोड़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हैं दिस इज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन 3,900 करोड़ ट्रांजेक्शन है वैल्यू कितना आ रहा है 940 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट वन ट्रिलियन डॉलर दिस इज ह्यूज वन ट्रिलियन डॉलर इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये यू का जो हमारा प्रोडक्ट है ये सक्सेसफुल है लोग इसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ईजी है बहुत सिंपल है सिक्योर है ठीक है आपका नाम के अलावा कोई ऐसी डिटेल वहां पे नहीं जा रही है सो दिस इज़ द यूपीआई थिंक और अगर यहाँ पे इसमें कुछ इंप्रोवाइज भी इन्होंने किया है अब देखा गया कि यूपीआई यूज़ करने के लिए आपको स्मार्टफोन चाहिए है ना यूपीआई को यूज़ करने के लिए यू नीड दैट स्मार्टफ़ोन अब जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है ये बटन वाला फ़ोन है ये फ़ीचर फ़ोन है वो कैसे करेगा तो यहाँ पे यू पी आई वन टू थ्री पे ये करके एक और सर्विस स्टार्ट की किसने की उसी एन पी सी आई ने जिसने यूपीआई को किया है यहाँ पे क्या हो रहा है आपको ऑप्शन दे रहे दिए जा रहे हैं जैसे आपको मान लो किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है गैस का ठीक है आप कॉल करोगे चूज करोगे या आपको मोबाइल रिचार्ज करना है चूज करो अच्छा गैस का पेमेंट है मोबाइल रिचार्ज आपने चूज किया देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द पेमेंट कुछ जो होंगे मोबाइल फोन उसमें अलग जैसे आता है ना

बिल पेमेंट के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम आपका चल रहा है रुपए कार्ड जो है ये भी एन का ही प्रोडक्ट है ठीक है एटीएम टी ट्रांजेक्शन वगैरह इन सब का और रेगुलेशन वो सब वो एन पी सी यहाँ पर कर रहा है अंडर दिस पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान आपको रखनी है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग अब इसमें कुछ जो हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इनको भी देख लो आप आर है ना आई है नेफ्ट है ये यू की सर्विस एक तरह की आई एम पी एस बेस भी है तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं रियल टाइम ग्रॉथ सेटलमेंट है आर है आरटीजीएस के अंदर क्या होता है देखिए uh, यहाँ पे uh, जो है uh, जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है ना uh, उसका होता है क्योंकि जो uh, आपका जो दूसरा वाला है ये जो हो रहा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट जो है उसके अंदर uh, uh, वो हो रही है नेटिंग हो रही है मतलब आपके पास रिक्वेस्ट आई आपने रिक्वेस्ट को इकट्ठा किया फिर एक साथ उनको जैसे आधे घंटे के बैच में ट्रांसफर कर रहे हो मान लो आधे घंटे में हजार रिक्वेस्ट है फिर उनको एक साथ किया आरटीजीएस में क्या हो रहा है रियल uh, टाइम के अंदर वो रिक्वेस्ट हो रही है, जो है वो यहाँ प्रेफर किए जाते हैं इसलिए आप देखोगे यहाँ पे एक मिनिमम लिमिट इन्होंने रख दिया दो लाख का मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पे वन टू वन बेसिस पे आप एक एक ट्रांजेक्शन को ले रहे हो क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पे इसकी इंश्योर है तो ये आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये आपके होते हैं ठीक है फाइनल होता है रिवोकेबल होता है और ट्वेंटी फोर सेवन ऑपरेशनल है आर बी आई पेमेंट नेटवर्क इसको मेनटेन कर ही रहा है ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है उसका नाम है आई एफ एस सी कोड है ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरत उसके लिए है है ना अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी का नाम आई एफ एस सी कोड ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है आई एफ एस सी कोड क्या होता है ये एक पर्टिकुलर जो ब्रांच है उसका एड्रेस है कोड के रूप में तो इसके अंदर फर्स्ट फोर जो अल्फाबेटिक है वो बैंक बैंक का नाम बताएंगे जैसे यहाँ पे आई एफ एस सी कोड तो ये चार तो बता रहे हैं अच्छा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है लास्ट फिर पांचवा करेक्टर जीरो होगा जो कि कॉमन है सब में फिर लास्ट वाले जो करेक्टर हैं वो क्या बता रहे हैं ब्रांच कौन सी है तो इस तरह से आई एफ एस सी सिस्टम वर्क करता है और नेफ्ट हो आरटीजीएस आई एम पी एस हर जगह के पेमेंट में इसकी जरूरत आपकी पड़ रही है नेफ्ट में क्या होगा नेफ्ट के अंदर बैचेस के अंदर हो रहे हैं पेमेंट है ना तो आधा घंटे का बैच है कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आ रहे हैं एक हजार आ गए दो आ हजार आ गए दस हजार गए उन सबको एक साथ आप प्रोसेस कर रहे हो इज नो एनी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हियर और वही प्रोसेस क्या क्या जरूरत है वो सेम है आई होता है आई एक तरह का इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर है और यहाँ पे आप देखोगे देर इज अ मैक्सिमम लिमिट अमाउंट कैन बी ट्रांसफर अप टू टू लैक पर ट्रांजेक्शन क्लियर तो इसमें अगर डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस भी देख लेना जैसे आई में मिनिमम वैल्यू ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आर में मिनिमम वैल्यू है दो लाख का नेफ्ट आई में मिनिमम वैल्यू नहीं है आई ऑनलाइन ही मिल रहा है आर टी जी नेफ्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल रहे हैं है ना बैंक में जाके एक फॉर्म भर दो आर हो जाता है मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू दोनों में लिमिट नहीं है आई में मैक्सिमम का दो लाख वैल्यू है सेटलमेंट टाइम क्या है यहाँ पे रियल टाइम है यहाँ पे भी रियल टाइम है यहाँ पे आधा आधा घंटे के बैच में नेटिंग करके है ना इकट्ठा करके फिर उसके वो हो रही है कुछ बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स तो फॉर नाउ दिस इज ऑल सेशन का जो पीडीएफ है और जो भी क्लास रिलेटेड अपडेट हैं सारी इंफॉर्मेशन यहां रहती है क्लास कब हो रही है क्या है लिंक शेयर हो रहा है पीडीएफ है वो सारी चीजें टेलीग्राम पे है ये टेलीग्राम नाम डाल के आप टेलीग्राम पे सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हो सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे अन अकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट दिस ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन यूज़ द कोड आर बी लाइव टू गेट दिस ट्वेंटी परसेंट ऑफ जो छब्बीस तारीख तक आपका अवेलेबल है और यहाँ पर फायदा ये है कि आपको सारे कोर्स uh, का एक्सेस यहाँ पर मिल रहा है, है ना सारे जो कोर्सेज हैं उनका एक्सेस आपको मिल रहा है एट वन सब्सक्रिप्शन जीएस का है तो जीएस में जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हो सब मिल जाएगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे जा रहे हो तो कॉम्बो के अंदर सारे ऑप्शनल भी इंक्लूड हो जाएंगे डाउट uh, क्लेरिफिकेशन है टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग कंप्लीट स्टडी नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में ये सब आपको मिल रहा है प्रिंटेड वाला ऑप्शन ट्वेंटी सिक्स तक आपका अवेलेबल है नए बच्चे पच्चीस अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं आप जा सकते हैं जीरो परसेंट ई ऑप्शन इज ऑल्सो देयर सी एस जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो दो साल या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं दे कैन गेट दिस ऑप्शन अगर वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है दे कैन गेट वन ईयर एक्सटेंशन ईयर ऑप्शनल ये हैं सारे पॉपुलर ऑप्शनल यहाँ पे हैं तो ऑप्शनल के लिए अलग भी जा सकते हो और कंबाइन करके कॉम्बो के साथ भी जा सकते हो एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है जहाँ पे कुछ एडेड बेनिफिट हैं है ना उसके लिए भी आप जा सकते हैं लाइव मेंटरशिप वगैरह ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है बाईस से पच्चीस अगस्त तक इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं दिल्ली जयपुर लखनऊ सेंटर्स So this is all for today. All the very best. Have a great day.